इस सेशन में हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। ठीक है, ये है फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज। ठीक है, ओके, ये हमारा टॉपिक है और इसमें मतलब हम ये देखेंगे कि जो नर्स होती हैं वो क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनके, वो किस किस तरीके से काम करती हैं हॉस्पिटल्स में या फिर नर्सिंग करने के बाद, वो चीज़ आज हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर कभी भी फंक्शन ऑफ नर्सेस को मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का फंक्शन अगर आपको याद रखना है तो शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं मेडलार कॉप, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो है मेडलार या मेडलर, आप जैसा बोलना चाहे, कॉप। ठीक है, ये शॉर्टकट है फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज या फंक्शन ऑफ नर्सेज याद करने का। तो इसको मैं इलाबोरेट कर देती हूँ, इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है। एम से होता है मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एम से है, सबसे पहला वर्ड है मैनेजर, दूसरा वर्ड है एजुकेटर, तीसरा वर्ड है डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, नेक्स्ट वर्ड है लीडर, नेक्स्ट है एडवाइज़र या फिर एडवोकेट। ओके, और ये इससे है रिसर्चर। रिसर्चर नेक्स्ट, सी से है केयर प्रोवाइडर, सॉरी केयर प्रोवाइडर, ओ से है ऑर्गेनाइजर और पी से है प्लानर, ऑर्गेनाइजर या फिर ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थे फंक्शंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के या फिर नर्सेज के, इसको मैं समझा देती हूँ। एम से मैनेजर इसलिए क्योंकि जो नर्सेज होती हैं वो मैनेज करती हैं हर सिचुएशन, कौन से पेशेंट किस बेड पे है, वहाँ जो भी चीज़ें हैं वो मैनेज्ड हैं या नहीं है, दवाइयाँ मिली या नहीं मिली, ये सारा चीज़, ये सब कुछ जो है उसको मैनेज कौन करता है, नर्सेज करती हैं। तो सबसे मेन फंक्शन आ जाता है मैनेजर, वो हर एक चीज़ को मैनेज करके रखती हैं, चाहे वो टेबल आपका मतलब डॉक्टर्स का टेबल हो या फिर नर्सेज का टेबल हो, सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखना। नेक्स्ट है एजुकेटर। एजुकेटर में क्या है, वो हर एक किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे पेशेंट को कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, कब तक टाइम लग सकता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में वो घर वालों को या जो अटेंडर्स होते हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि नर्सेज क्लासेस भी लेते हैं, जब हॉस्पिटल में आप काम करेंगे तो उस काम करने के बाद फिर एक अलग से क्लासेस भी लेते हैं, तो एजुकेटर के जैसे भी नर्सेज का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर। डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर में हर एक चीज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि किसको क्या काम करना है, और उसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर की कोऑर्डिनेट करके रखना है कि कौन किस काम को कैसे कर रहा है, तो ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट है लीडर। लीडर में क्या है, एक लीडरशिप क्वालिटी की हर एक चीज़ को लीड करना है नर्सेज का, वो एक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है एडवाइज़र। एडवाइस प्रोवाइड करना, ठीक है, किसको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, जैसे कोई हॉस्पिटल में आया है तो उनको सजेस्ट करना कि आपको यहाँ ये डॉक्टर बेटर हैं, आप इन डॉक्टर को दिखाइए, या फिर आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो एडवाइस देने का काम करते हैं वो भी नर्सेज का ही रहता है। नेक्स्ट है हाँ एडवाइज़र और एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब है कि बातचीत करना और किसी को समझाना उनके लिए, पेशेंट के लिए, जैसे पेशेंट के घर वालों से बात कर रहे हैं तो वो हम एडवोकेसी में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्चर। रिसर्च करना, हर एक टॉपिक पे, छोटे छोटे टॉपिक पे रिसर्च करना कि इसमें और क्या बेटर किया जा सकता है ताकि पेशेंट की हालत बेटर हो पाए, तो नर्सेज जो हैं वो रिसर्चर का रोल भी निभाती हैं। उसके साथ नेक्स्ट है केयर प्रोवाइडर। केयर प्रोवाइड करती हैं हॉस्पिटल सेटिंग्स में, आपने देखा होगा कि जो नर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से केयर देती हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज़र या फिर ऑब्जर्वर। ऑर्गेनाइज़र में हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, कौन सा कितने लोग होने चाहिए,
क्या काम होना चाहिए, कितने स्टाफ कौन से वार्ड में रहेंगे, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज कर पाते हैं ऑर्गेनाइज़र। एंड देन ऑब्जर्वर, एक एक पेशेंट को ऑब्ज़र्व करना कि किसको क्या देना है, कब मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, कब नहीं करनी है, किसकी किसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं या फिर कौन कैसा बिहेव कर रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करना। और लास्ट है प्लानर, प्लान करना हर एक चीज़ की प्लानिंग की ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, कब कब क्या क्या देना है, उस चीज़ को प्लान करना वो प्लानर में आ जाता है। तो ये मेन फंक्शन था मेडलार कॉप करके आप याद रखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट है मैनेजर, सेकंड है एजुकेटर, थर्ड है डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, फोर्थ है लीडर, फिफ्थ है एडवाइज़र एंड एडवोकेट, और सिक्स्थ है रिसर्च, सेवन्थ है केयर प्रोवाइडर, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज़र एंड ऑब्जर्वर, और लास्ट है प्लानर। ओके, तो ये था फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज या फिर नर्सेज। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।